सिपाहियों का हत्यारा डायलाग इनामी बदमाश शकील पुलिस मुठभेड़ में आखिरकार मारा गया। मुठभेड़ के दौरान दो पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हुए, जबकि बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होने की वजह से दो गोली लगने के बाद भी पुलिस कप्तान बाल बाल बचे। फिलहाल पुलिस मुठभेड़ के दौरान फरार हुए तीन अन्य बदमाशों की तलाश में कॉम्बिंग कर रही है। आपको बता दें कि बीते 17 जुलाई को कैदी बैंड से तीन कैदी दो पुलिसकर्मियों की हत्या कर राइफल लूटकर फरार हो गए थे, जिसके बाद संभल ही नहीं पूरे प्रदेश की पुलिस के लिए यह मामला चुनौती बन गया था। डीजीपी ओपी सिंह ने फरार तीनों आरोपियों पर ढाई ढाई लाख का इनाम घोषित कर दिया था। हालांकि पुलिस ने फरार हुए तीन कैदियों शकील, कमल और धर्मपाल में से एक कमल को 20 जुलाई को ही मुठभेड़ में मार गिराया था, जबकि धर्मपाल और शकील पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए थे। करीब एक माह का समय होने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली थे, लेकिन आज पुलिस को मुखबिर की सूचना पर रजपुरा थाना क्षेत्र के मोलनपुर में जंगल में फरार कैदी धर्मपाल और शकील सहित चार बदमाशों के होने की जानकारी मिली, तो पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद के नेतृत्व में जंगल की घेराबंदी कर दी। पुलिस से घिरा देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इस बीच पुलिस और बदमाशों के बीच जमकर फायरिंग होने लगी। फायरिंग के दौरान दो पुलिसकर्मियों में से और एक बदमाश को गोली लग गई, जबकि बदमाशों द्वारा फायरिंग में दो गोलियां पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद को छूकर निकल गई। हालांकि पुलिस अधीक्षक बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होने की वजह से बाल बाल बच गए। इस बीच तीन बदमाश मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गए, जिनकी धरपकड़ के लिए पुलिस की कॉम्बिंग जारी है। पुलिस ने घायल पुलिसकर्मियों और बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सक ने बदमाशों के मारे जाने की पुष्टि की। वहीं पुलिस अधीक्षक ने प्रसाद ने बताया कि मुठभेड़ में मारा गया बदमाश वही शकील है, जो कि बीते 17 जुलाई को कैदी वैन से दो पुलिसकर्मियों की हत्या करके फरार हुआ था और जिस पर 2.5 लाख का इनाम घोषित था। हालांकि पुलिसकर्मी की हत्या मामले में एक आरोपी धर्मपाल अभी पकड़ से दूर है, उन्होंने उसको भी जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया है। आपको बता दें दो पुलिसकर्मियों की हत्या कर फरार हुए कैदियों के मामले में पुलिस करीब एक माह से हाथ पैर मार रही थी, लेकिन पुलिस को सफलता हाथ नहीं लगी थी। ये थाना रजपुरा क्षेत्र में एक सूचना मिली थी कि चार अपराधी एक क्षेत्र में रुके हुए मोलनपुर के जंगल में। इस सूचना पे सभी टीमों को इकट्ठा किया गया और वहाँ पे कॉम्बिंग शुरू कराई गई। जब उस मोलनपुर के जंगल में पहुँचे तो अपराधियों ने पुलिस पर फायर किया, जिसमें हमारे दो कांस्टेबल भी घायल हुए, मेरे भी जैकेट पे गोली लगी और उसके बाद जब घेराबंदी की गई तो इसमें एक अपराधी को भी गोली लगी। उन सभी को हॉस्पिटल भेजा गया है। अपराधी जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन अभी कराया जा रहा है। उसमें प्रथम दृष्टया अभी जो उसके परिवार वालों से दिखा करके जानकारी हुई है वो शकील है अपराधी, जो हमारे यहाँ कैदी वैन से फरार हुआ था। दो हमारे शहीद सिपाहियों का शहीद करके फरार हुआ था, उसमें एक अपराधी है ये शकील, और बाकी इसकी जानकारी और आगे की विधिक कार्रवाई की जाए। इस पर तो सर 2.5 लाख रुपए का इनाम था। हाँ जी हाँ, इसके ऊपर हमारे डीजीपी महोदय द्वारा 2.5 लाख रुपए का इनाम दिया गया है। सर इसमें आप पर भी जानकारी मिली, आप पर भी फायरिंग हुई सर इसमें? हाँ जी, हमारी पूरी जो टीम थी, कई टीमें लगी हुई थी, उसमें लगातार ये दुर्दांत अपराधी था, लगातार फायर कर रहा था और इसके पास से दो पिस्टल और एक तमंचा भी बरामद हुआ है, कई कॉटेज बरामद हुई है और अभी भी कामिंग जारी है। इसके साथ ही जो फरार हैं उनके उनके लिए भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। नहीं सर, आपको वो भी फायर लगा था? फायर हमारे बुलेटप्रूफ जैकेट।